जा है रूह में कोई खला निशान नहीं वजूद का ये क्या पता कभी चला कभी बुझा दोनों बेटियां अपना घर छोड़कर इस घर में आ जाएंगी। मैं कैसे करूंगी? मैंने सब सोच लिया और जो मैं चाहूंगी वैसा ही होगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम मेरे लिए मुश्किल क्यों पैदा कर रहे हो? यही तो जानना चाहता हूं कि तुम किस मुश्किल से गुजर रही हो। एक बार बस एक बार मुझसे मिलो यार। दया को अपनी बहू बनाऊंगी कहते हुए अम्मी की जबान नहीं थकती थी। फिर एक दिन आकर कहती हैं कि हया की शादी हारे भाई के साथ होगी। हारे भाई? मेरे बड़े भाई। मैं ही क्यों करूं तमीज अम्मी? जब तक मैं नहीं बोली ना आपकी तबीयत पर ताने देती रही मुझे। तो बस मैंने भी सोच लिया जब बात तबीयत पे आ ही गई है तो किस चीज का लिहाज करूं मैं। खुल के बेइज्जती कर दी मैंने, अपना सामान उठाया जेवर उठाया और आ गई कमरे को ताला लगा के। ये क्या पता। वाह माशाल्लाह वाह। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना। यकीनन मजेदार भी होगी। चलो सबसे पहले तुम बिरयानी ट्राई करो। गरम गरम बिरयानी हो तो और मजा आ जाता है। यस। Sorry, Daddy. Oh, it's okay. Okay, okay, Aija. Okay, okay. No, please, please. Ab lo, lo, lo. एक बार पता है क्या हुआ? मैं मेरे वालद वालदा साहिबा सब घर वाले खाना खाने के लिए बैठे तो अचानक चचा आ गए। चचा के बारे में मशहूर था कि उनके सामने जो भी सालन रखते बचता नहीं था। और मेरी बड़ी बहन तुम्हारी फजीलत जी जी वो किचन से सालन लेने गई हुई। अब्बा इंतजार कर रहे थे क्योंकि सबसे पहले अब्बा ही प्लेट में सालन डालते। वो मेरी मेरी बहन आई तो उसने आते ही चचा को सलाम किया और सालन का बॉल उनके सामने रख दिया। बाद में उसे पता चला कि अब्बा के लिए सालन तो बचा ही नहीं, उन्होंने अचार के साथ रोटी खाई है। वो बड़ी फिक्रमंद हुई, माजरत करने के लिए अब्बा के कमरे में गई तो अब्बा ने पता क्या किया? उन्हें 100 रुपया इनाम दिया और कहने लगे माजरत तो तब बनती जब तुम नजरअंदाज करके मेहमान को घर के फर्द को अहमियत दे। ये होती है बेटा बात। फिर मेरा इनाम कहाँ है? मुझे भी इनाम चाहिए। नहीं, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। क्यों डैडी, ये तो नाइंसाफी है। मैंने भी तो देखे पारिस को पहले खाना सर्व किया है बाद में आपको। नहीं रे, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा इसलिए कि मुझे बिरयानी मिल गई है। खाओ खाओ बेटा खाओ। अरे मैं पता जी क्या तो बहुत मासूम तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होता है सब आंखों में दिखता है। कभी किसी और ने भी ये कहा? क्या? तुम्हारी आंखें सब बोल देती हैं, सब कुछ। वो अम्मी अबू को भी सब कुछ पता चल जाता था।
तुम आखिर बहुत मासूम हो। सो जाओ। आरव कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना। वो आपसे बात करनी थी। आज कत्ल भी कर दोगी तो गिला नहीं करूंगा। कहो। वो शाजी आई थी कल, उसकी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। तो वो कह रही थी कि साथ चलते। तुमने क्या कहा? वो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछ के बताऊंगी। जुनेद साथ क्यों नहीं जा रहा? जी वो उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूंगा फिर पिक भी कर लूंगा। नहीं नहीं अब हम चले जाएंगे। क्यों, मेरे जाने से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, और अगर है तो उसे कहो कि खुद चली जाए। अगर तुम साथ जाओगी तो मैं खुद तुम्हें लेके जाऊंगा। आप सो जाओ, कोई और बात मत करना। सो क्यों नहीं रही? ठीक है हारी भाई, आप चले जाएं, हम फारिग होकर आपको फोन कर देंगे। नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। हम लोगों को पता नहीं कितनी देर हो जाए। चाहे पूरा दिन ही क्यों ना गुजर जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका टाइम वेस्ट होगा। अच्छा चलो फिर घर चलता। जी टाइम वेस्ट होने वाली कौन सी बात, चलो मैं यहीं रुकूंगा। हारे भाई अब आप वहां वेटिंग में ही रुक जाएं, अंदर सिर्फ लेडीज जा सकती हैं या पेशेंट्स के हस्बैंड। चले हया।
जल्दी से निकल जाए यहाँ से। हारे बार है, तुम मत देखना, उसने हमें नहीं देखा अभी तक। कुछ ऑर्डर करूँ तुम्हारे? मैं करता हूँ। एक्सक्यूज मी, टू कॉफीज। कुछ बात करो। मुझे कोई बात नहीं करनी, तुमने बुलाया इसीलिए आई। हाँ, बहुत खुश हूँ। तू क्या करती रहती है? ताईजन के लिए चाय बनाती हूँ, उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, हारिक की पसंद की चीजें बनाती हूँ। ताईजान मुझे बहुत प्यार करती है और हारे भी मुझे बहुत चाहते हैं। और तुम चाहती हो ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अबे हारिक, सॉरी सॉरी, डॉक्टर हारिक कैसा है? कब आई उससे और यहाँ क्या कर रहा है? शादी हो गई? वाइफ को लेके आया है? मैं बोलूं? हाँ हाँ प्लीज। कुछ अर्सा हो गया आए हुए और शादी हो चुकी है, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं आया जो तुम समझ रहे हो। चल कोई नहीं, हो जाएगा वैसे भी। और ये बता, अब तो गुस्सा नहीं आता पहले की तरह? अब तो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता ना? मेडिसिन ले रहे हैं ना? और वो लड़का याद है, शाहिद उमर? कैसे मारा था यार तूने उसे? अब तो बेचारा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनके सबसे पहले अपनी हड्डियों का इलाज किया होगा उसने। बड़ी खतरनाक चीज है वैसे तू। भाभी के साथ तो ठीक रहता है ना? मुझे जरा जल्दी है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। हाँ श्योर श्योर। अच्छा अपना नंबर तो दे मुझे।
याद है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। सब कुछ? हाँ सब कुछ। तब तो वो तुम भाई शर्टी भूल गई होगी, मुझे दुख की थी। पता है वो शर्ट मैं अलमारी में छोड़कर आ गया था, थोड़ी हर चीज से दूर रहूंगा, तुम याद नहीं आओगी। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यादें भी क्यों छोड़ गए, उन्हें भी साथ ले जाते। काश सब कुछ इंसान के बस में नहीं होता ना। खैर मैं जानता हूं तुम्हारी शादी के वक्त तुमसे कैसे दूर रहा हूं, कैसे तुम्हें इग्नोर किया, कैसे तुमसे पीछे हटा। मैंने कहा ना मैं शादी से पहले की हर बात भूल चुकी हूं, मुझसे आज की बात करो। तुम्हारी मुलाकात करने की शर्त मैंने पूरी कर दी, तुम मुझे बताओ तुम यहां से कब जा रहे हो। मेरी एक और शर्त है। तुम्हें खुश दिखूं? इसका तुमसे कोई तो रहता नहीं। क्या तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और आखिरी? पारस प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, मैंने अपने आप को समझा दिया कि यही मेरी जिंदगी, ऐसे मुझे जीना। तुम क्यों मुझे उस पर आए खड़ा करने की कोशिश कर रहे, क्यों मुझे अजियत दे रहे हो? इतनी अजियत तो मुझे हारिब के साथ भी रहने में नहीं होती जितनी तुम दे रहे हो। क्यों मेरी जिंदगी से चले नहीं जाते? यानी कि तुम्हारे भाई के साथ खुश नहीं है ना? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं? नहीं हो ना खुश? Excuse me, Mrs. शाजिया का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर कंदील के साथ, आप चेक करके बता सकती हैं कि वो वेटिंग में है या फ्री हो चुकी हैं? जी सर, मैं थैंक यू। नाम शाजिया। सॉरी सर, आज की डेट में शाजिया का अपॉइंटमेंट ही नहीं है। सर कैसे हो सकता है? तो हारे भाई चले। एक मिनट, ये बता रही हैं कि मिसेस शाजिया नाम की किसी पेशेंट का अपॉइंटमेंट ही नहीं था डॉक्टर कंदील के साथ। शाजिया? क्या क्या हुआ? शाजिया क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर कंदील को बुलवा लें? नहीं नहीं मुझे घर जाना है, घर ले चले मुझे। उस दिन
दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी तो बुशा जाके थोड़ी देर के लिए ले आई थी। क्या मतलब ताईजान? अभी हयार फारिस की और भी मुलाकातें करवानी होंगी। मैं बाद में बात करती हूँ। ये क्या पता? मैंने कहा ना, मैं शादी से पहले की हर बात भूल चुकी हूँ। तो आज की बात करो। फारिस प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने अपने आप को समझा दिया कि अब यही मेरी जिंदगी, फिर से मुझे जीना। क्यों मुझे अजियत दे रहे हो? इतनी अजियत तो मुझे हारिफ के साथ भी रहने में नहीं होती जितनी तुम दे रहे हो। क्यों मेरी जिंदगी से चले नहीं जाते? कसम उठाओ कि तुम हया को भूल जाओ। कसम उठाओ कि तुम हया और हारिफ के दरमियान कभी नहीं आओगे। ठीक है, मैं कसम उठाता हूं कि जैसा आप चाहेंगी वैसा होगा। अच्छा है, आप तुम आराम कर लो। शाजिया जी, तुमने डॉक्टर से चेकअप तो करवाया लेकिन ना ही फीस पे की ना ही कोई फाइल बनी। वो एक्चुअली फीस तो मैंने अंदर दे दी थी डॉक्टर को, लेकिन वहां तो सब लोग रिसेप्शन पे कर रहे थे जाने से पहले। हाँ, पर वो मैं भाई देना भूल गई थी ना, इसलिए मैंने अंदर जाके दे दी। और वो आप पूछ रहे थे ना कि मिसेज शाजिया के नाम से कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, तो मैंने मिसेज जुनेद के नाम से अपॉइंटमेंट लिया था। अच्छा, और भाई? फाइल तो मुझे लगता है मैं वहीं भूल कर आ गई हूँ। चलो लेकर आते हैं। नहीं नहीं, वो मैं जुनेद से कह दूंगी, वो ले आएंगे। जुनेद से तो तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ था? हाँ, झगड़ा तो हुआ है, लेकिन इतना सा काम तो वो कर ही देंगे। Sure? हाँ हाँ, 100%। चलो ठीक है। हाया, थोड़ी देर चल के चाचा के पास बैठे, क्या ख्याल है? हाँ, आए चले। बेटा, तुम दोनों आए, बहुत खुशी हुई। आया बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी अबू, मैं ठीक हूँ। सब तकलीफ की क्या जरूरत है चाची जान? तुम लोग आते हो ना, तुम हम लोगों को बहुत खुशी होती है। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, मैं पूरी बेकरी उठा के ले आती। आप खुद गई थी? नहीं नहीं, गली में से बच्चे को भेजा था। अब तो माशाल्लाह तुम्हारे चाचा भी ठीक हो गए। अगली बार जब आओगे ना तो ये खुद लेकर आएंगे सब कुछ। हाँ, क्यों नहीं। अरे बेटा। जी चाचा जान। बेटा, तुम बहुत बिजी होते हो तो कभी कभी
हया को भेज दिया करो मिलने के लिए। मैंने तो कभी मना नहीं किया। हाँ जानता हूं, उस दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी तो बुशा जाके थोड़ी देर के लिए ले आई थी। कहाँ चले गए? अरे तो मुझसे मना किया था, मैं वादा किया था, उस दिन वादा किया था मुझसे कि मुझे बताए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। लोग बता रहे हैं कि तुम बाहर गई थी। कहाँ जाती होगी मेरी बीवी? नाम मत लो मेरा। तुम क्यों गई थी? मैं तो इनसे पूछ के गई। तुम्हारी शादी उनसे हुई है क्या? तुम यहां क्या कर रहे? जा अमेरिका, जा। सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हें नहीं, मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें भरोसा किया। क्या क्या सजा मिले मुझे? मैं क्या क्या करूं? मैं ये नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। चाहते हो खुद को सजा दूं? ये तो कभी नहीं। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। I'm sorry, वो बाहर तुम्हारी गाड़ी बाहर में जाए गाड़ी, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? चलो अंदर जाओ। I'm sorry. क्या हुआ? कुछ नहीं। किसी बात पे परेशान?
आपको हारिब को नहीं बताना चाहिए था कि हया यहाँ आई थी। क्यों? मैं हारिब की गैर मौजूदगी में उसे यहाँ लेकर आई थी। तो बुराई क्या है? अपने माँ बाप के घर आई। आप समझ नहीं रहे, मैं देखिए, अगर हम लोग इस घर में ना रह रहे होते, हया की शादी वहां ना हुई हुई होती, तो उसके शौहर की गैर मौजूदगी में अगर मैं उसे ले आती तो उसे बुरा तो लगेगा ना? हाँ, बुरा तो लगेगा। इसीलिए कहती हूँ कि अब हर रोज की उम्मीद मत लगाए बैठे। इसका मतलब है हया अपने घर में खुश नहीं है? सॉरी, इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितना मैंने रिएक्ट किया। सबके बगैर जी सकता हूँ लेकिन तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। अकेला मत छोड़ना प्लीज। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मैं कोशिश भी करता हूँ लेकिन सॉरी अच्छा बताओ, हया और फारिस की मुलाकात हुई? कैसे ना होती ताई जान, आपका हुक्म मैं टाल सकती हूँ लेकिन फारिस नहीं माना और हया खफा होकर आ गई। कोई बात नहीं, शादी के बाद हया की पहली मुलाकात है ना फारिस के साथ। पहली मुलाकात में तो
किले शिकवे होंगे, फिर दूसरी तीसरी मुलाकात में दिल का गुबार निकलेगा, उसके बाद इस पोजीशन में आ जाएंगे कि एक दूसरे की बात सुनने लगे। क्या मतलब ताईजान? अभी हयार फारिस की और भी मुलाकातें करवानी होंगी। मैं बाद में बात करती हूँ। आप अभी तक जाग रही हैं? किससे बात कर रही थी तुम? मैं अपनी सहेली से। सहेली से तुम बात कर रही थी हया और फारिस की? मुलाकात की क्या बात थी? ऐसी तो कोई बात भी नहीं हुई। सच सच बताओ, किससे बात कर रही थी और क्या कर रही थी? ओफो मम्मी, एक तो आप बिला वजह परेशान हो जाती हैं। आपको क्या लग रहा है मैं किससे बात कर रही थी? शरद भाभी से। देखा, मुझे पहले ही शक था। आपने क्यों बिला वजह ताईजान को अपने सर पे सवार कर रखा है? तो फिर किससे बात कर रही थी तुम? जुनेद से। जुनेद से? उससे तो तुम्हारा झगड़ा हुआ है। झगड़ा हुआ तो फिर क्या हुआ? हम बात नहीं कर सकते। मुझे मनाने के लिए फोन किया था। बात से बात निकली तो मैंने बताया कि मैं क्लिनिक गई थी। पूछा था किसके साथ गई तो मैंने बताया हया और हारिब के साथ। उसमें यही बात कर रही थी कि आप आ गई और आपको लगा कि मैं हया और फारिस की बात कर रही हूँ। अम्मी, अगर आप थोड़ी और देर से आती ना तो मुझे मना लेता। जो कहानी तुम मुझे सुना रही हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे यकीन आ जाएगा इस पर? कहानी? आपको ये सब कुछ कहानी लग रहा है? आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ शाजिया, और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, तो फिर आप ही बताएं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? कसम खाओ अपने होने वाले बच्चे की, तुम उस शरद भाभी से बात नहीं कर रही थी। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही यकीन आएगा तो मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहती हूँ। बस अब खुश? जो नाश्ता लग गया है, ठंडा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ ना, इस तरह इंतजार थोड़ी कराते हैं नाश्ते को। बैठो। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, आप ये नाश्ता शुरू करें। नहीं बेटा, एक मिनट, वो दरअसल फ्रूट काटते हुए छुरी लग गई थी, मगर जख्म गहरा नहीं है। आप फिक्र मत करें। लाओ दिखाओ मुझे। हारू, तुमने देखा कि इन्फेक्शन तो नहीं हो गया? नहीं, मैंने देख लिया, सब ठीक है। चलो शुक्र। अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। शिजा जी भाई, नाश्ता तो कर लो। नहीं भाई, मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम पहले नाश्ता कर लो। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। कह रहा हूं ना, तुम्हें छोड़ दूंगा। और मैं कह रही हूं ना, मैं चली जाऊंगी। शजा, किस तरह बात कर रही हो भाई से? सुन नहीं रहे क्या कह रहे हैं वो? जब कह रहे हैं वो छोड़ देंगे यूनिवर्सिटी तो मान लो। आओ बैठो, नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। चलो तुम तो नाश्ता करो। नहीं, मैं पहले शजा को ड्रॉप कर दूँ, उसे देर ना हो जाए, मैं वापस आके कर लूंगा। किसी को चैन से नहीं बैठने दे। और तुम एहतियात से फल काटा करो। जी।
ये क्या पता।